उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अगरबत्ती बनाकर कमाई कर रही हैं और खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। भाभापुर गांव में महिलाओं का एक समूह कमाई के लिए गाय के गोबर से अगरबत्ती और दूसरे सामान बना रही हैं। हमारे बच्चे भी हैं, इसी में रहते हैं, बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, हमारा घर का खर्चा भी चलता है, बच्ची की पढ़ाई भी होती है, हमारी काफी फायदा है इसमें। जितना गाय के गोबर से और क्या क्या बनाती हैं आप लोग? इससे राखी और रक्षा बंधन बना था, धूप बत्ती बन रहा है, ये मूरत बनती है, काफी सामान बनता है। महिलाएं अपने पतियों के साथ मिलकर अगरबत्ती और दूसरे प्रोडक्ट बनाने का काम करती हैं, जबकि पति इन प्रोडक्ट्स को बाजार तक पहुंचाते हैं। स्वामी महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एनआरएलएम से जुड़ने के बाद हमारे साथ ये गाय के गोबर से धूप बत्ती, अगरबत्ती, स्वास्तिक और लक्ष्मी गणेश, समय समय पर दीपावली में धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती का भी काम करती हैं। होली आती है तो अबीर गुलाल भी बनाती हैं, इसको बनाने के बाद मार्केट में सप्लाई भी करती हैं और इनके हस्बैंड भी इन कामों में जुड़े हैं, जो मार्केटिंग का काम करते हैं उससे जो आय होती है उसमें ये बराबर बराबर 10 समूह की महिलाओं में बांट दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को घरेलू खर्चों के साथ साथ उनके बच्चों की शिक्षा में भी सहयोग प्रदान करते हैं। धूप बत्ती अगरबत्ती बना रही है। कितनी कमाई हो जाती है आप लोगों की? चल जाती है खर्चा बच्चा, लड़के बच्चा गए पढ़ाई लिखाई में। हमारे यहाँ धूप बत्ती बन रही है, एक गाय के गोबर से बन रही है, इसको यहाँ पे बनाई जाती है, उसके बाद मार्केट में बेची जाती है। नहीं तो कितनी कमाई हो जाती है आप लोगों की? अब जितना बना पाते हैं उसी हिसाब से। मूर्तियों, दियो और मोमबत्तियों की बहुतायात के बीच अमेठी की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अगरबत्ती का उत्पादन और बिक्री कर रही हैं।